Good morning, students. Today is our maths class. In this class, we will do chapter number 11 of Discovering Maths book. So let us start. Our 11th chapter is metric unit. अब देखते हैं इसमें क्या कुछ है. सबसे पहले 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये अपने को लर्न होना चाहिए. 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर. 1 सेंटीलीटर इक्वल टू 1/100 लीटर. 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम. 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर. 1 डेसीग्राम इक्वल टू 1/10 ग्राम. कम टू क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस जोन 1. कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट इंटू लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ इंटू मीटर. अब जो अपने को लेंथ दे रखी है उसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है. सबसे पहले 33 किलोमीटर, तो 33 × 1000, सो 33,000 मीटर. 15 हेक्टोमीटर, तो 15 × 100, सो 1500 मीटर. 10 डैम, 11 डैम, तो 11 × 10, सो 110 मीटर. इन डी पार्ट 42 हेक्टोमीटर, तो 42 × 100, सो 4200 मीटर. कम टू क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू गिवन यूनिट्स. सो 15 मीटर इक्वल टू 150 डेसीमीटर. 68 मीटर इक्वल टू mm में कन्वर्ट करना है, तो 68,000. 29 मीटर इक्वल टू 290 डेसीमीटर. एंड 74 मीटर इक्वल टू 7400 सेंटीमीटर. कम टू नेक्स्ट, प्रैक्टिस जोन 2. प्रैक्टिस जोन 2 के अंदर कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट इनटू गिवन यूनिट. फिलअप हैं, तो 2046 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, सो 2.046. पी पार्ट के अंदर मीटर है, हेक्टोमीटर के अंदर चेंज करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 85.69. ऐसे ही सी पार्ट mm को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे. इन डी पार्ट के अंदर अपने इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो 65.2 मीटर. कम टू नेक्स्ट, प्रैक्टिस जोन 3. प्रैक्टिस जोन 3 के अंदर अपने को ऐड द फॉलोइंग, तो ऐड द फॉलोइंग जो क्वांटिटी दी है, जो यूनिट दी है एज इट इज़, उसी यूनिट के नीचे सेम यूनिट आनी चाहिए. जैसे ए पार्ट के अंदर 8 मीटर 12 सेंटीमीटर प्लस 15 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो मीटर के नीचे मीटर वाली क्वांटिटी, इट मीन्स 8 मीटर के नीचे 15 मीटर आएगा और 12 सेंटीमीटर के नीचे 25 सेंटीमीटर. दोनों को ऐडअप करेंगे, सो अपने पास आंसर आ जाएगा. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपने को कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. अब माइनस करना है, इसमें ये ध्यान रखना है बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है. जैसे ए पार्ट के अंदर 45 सेंटीमीटर फ्रॉम 90 सेंटीमीटर 12 mm, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 90 सेंटीमीटर 12 mm, उसमें से 45 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे. ऐसे ही इसके सारे रिमेनिंग पार्ट भी अब करेंगे, डू इन नोटबुक. नाउ कम टू नेक्स्ट, प्रैक्टिस जोन 4. कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ वेट इनटू ग्राम. ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, 42 kg मल्टीप्लाई बाय 1000, 42,000 ग्राम. 18 हेक्टोग्राम, 18 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 1800 ग्राम. 17 डेक, तो 17 × 10, तो 170 ग्राम. ये सारी कन्वर्जन ऐसे ही करनी है आपने. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फिलअप है, एज इट इज़ आपने फिलअप बुक के अंदर ही करने हैं, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन डू इन नोटबुक. नाउ कम टू नेक्स्ट, प्रैक्टिस जोन 5. प्रैक्टिस जोन 5 के अंदर दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू गिवन यूनिट. ये भी कन्वर्जन है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ये भी आप बुक के अंदर ही करेंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट, प्रैक्टिस जोन 6. प्रैक्टिस जोन 6 के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, सेम एज इट इज़ जैसे पीछे अपने किया था, सेम यूनिट के नीचे
जैसे ग्राम है, ग्राम के नीचे ग्राम आएगा, सेंटीग्राम के नीचे सेंटीग्राम, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी, सेम यूनिट आनी चाहिए। ऐसे बी पार्ट, बड़ी वैल्यू के नीचे छोटी वैल्यू, फिर ही इसको माइनस करना है, फिर ही ये माइनस होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन सेवन। प्रैक्टिस जोन सेवन के अंदर कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी इनटू लीटर। लीटर के अंदर इसको अगर कन्वर्ट करना है 21 हेक्टोलीटर, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 21 100 लीटर, 33 किलोलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 33,000 लीटर। ऐसे इसके रिमेनिंग पार्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट इनटू गिवन यूनिट। कन्वर्जन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोटबुक के अंदर करेंगे और सेकंड वन इज डू इन अ बुक ओनली। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन एट। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी इनटू गिवन यूनिट। लीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट करना है, सो देन 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। लीटर को हेक्टोलीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, 100 से इसको डिवाइड करेंगे। मिलीलीटर को लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड। डेसीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 से डिवाइड। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन नाइन। प्रैक्टिस जोन नाइन के अंदर भी ऐड द फॉलोइंग एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, दो क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं, दोनों को अपने नोटबुक के अंदर सॉल्व करना है। आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन ए एंड डी पार्ट एज इट इज। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मैंने ए एंड डी पार्ट सॉल्व किया है, बाकी रिमेनिंग आप खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू प्रैक्टिस जोन टेन। प्रैक्टिस जोन टेन के अंदर अपने को कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन के अंदर कह रहे हैं अरुण बाय अ रील ऑफ थ्रेड ऑफ सेविंग, देयर इज 10 मीटर थ्रेड इन इट। इफ ही यूजेस 210 सेंटीमीटर ऑफ द थ्रेड, हाउ मच इज लेफ्ट इन द रील। गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर। अब अपने को इसमें कह दिया है कि आंसर अपने को सेंटीमीटर के अंदर देना है। टोटल उसने थ्रेड खरीदा है 10 मीटर, 10 मीटर इट मीन्स 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 210 सेंटीमीटर, सो 790 सेंटीमीटर लेफ्ट रह जाएगा रील के अंदर थ्रेड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू। यश वेट इज 105 kg 350 ग्राम, हिज एम टू लूज 4 kg इन अ मंथ। इफ ही मैनेजेस टू डू दिस, व्हाट विल बी हिज वेट आफ्टर 2 मंथ्स। अब कह रहे हैं यश का वेट है 105 kg 350 ग्राम और उसने पर मंथ 4 kg वेट लूज कर रहा है, तो 2 मंथ के बाद बताना है उसका वेट कितना होगा। तो 2 मंथ में उसका वेट कितना लूज हो जाएगा, 4 × 8 = 8 kg। तो 8 kg को अपने 105 kg 350 ग्राम में से माइनस करेंगे, तो 97 kg 350 ग्राम इज़ द आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। द कैपेसिटी ऑफ अ जार इज 350 ml एंड डेट ऑफ जार बी इज 2 लीटर 500 ml, विच जार हैज़ मोर बाय हाउ मच। तो कैपेसिटी ऑफ जार ए एंड बी दोनों मेंशन करेंगे, आफ्टर डेट दोनों को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो 2 लीटर 150 ml अपने पास आएगा, तो इट मीन्स जार बी हैज़ मोर कैपेसिटी बाय 2 लीटर 150 ml। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।